जनपद गाजियाबाद में लोहिया नगर स्थित महिला थाना से एक मामला प्रकाश में आया है, जहां पर पिछले कई महीनों से एक पिता अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए थाने के चक्कर लगा रहे हैं। जानकारी के अनुसार राजनगर एक्सटेंशन निवासी मनीष कुमार सिंघल ने अपनी पुत्री हिमांशी सिंघल का विवाह 6 दिसंबर 2021 को गुड़गांव सेक्टर 57 निवासी आयुष बंसल पुत्र राजकुमार बंसल से किया, पर ससुराल पहुंचते ही हिमांशी के साथ ससुराल पक्ष की तरफ से दहेज की मांग के साथ अत्याचार होने शुरू हो गए और सिर्फ 2 दिन ससुराल में रहने के बाद हिमांशी को अपनाने से मना कर दिया। पिता के द्वारा काफी मन्नतें करने पर भी हिमांशी के ससुराल पक्ष के लोगों ने हिमांशी को अपनाने से इनकार कर दिया। हिमांशी को ससुराल से आने पर उसका मेडिकल कराया गया, जिसमें उसके साथ मारपीट होने का पता चला। इस मामले की FIR इसी वर्ष 5 अप्रैल को दर्ज हो चुकी है, पर अभी तक कोई ठोस कार्यवाही या गिरफ्तारी नहीं हुई है। कई महीने बीत जाने के बाद भी आज तक हिमांशी और उसके परिजन न्याय के लिए पुलिस प्रशासन और कानून की राह तक रहे हैं। संवाददाता पवन गौर की रिपोर्ट, आप तक टाइम्स न्यूज, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। सर, आपका नाम बताइए। मैं मनीष कुमार सिंघल, राजनगर एक्सटेंशन निवासी, फॉर्चून में रहता हूँ, गाजियाबाद। अच्छा, आपका जो एक केस, आपका जो एक मामला है, ये दर्ज है महिला थाना के अंदर, ये क्या मामला है, इसके बारे में जानना चाहेंगे? मेरी बिटिया की शादी 6 दिसंबर 2021 को अवध पैलेस में जींद के रहने वाले हैं राजकुमार बंसल जी, उनके लड़के के साथ आयुष बंसल के साथ हुई। 6 दिसंबर को वो लोग शाम को आने थे, रात की शादी थी, लेकिन वो 3 बजे अपने खुद गाड़ी चला के आए, ना कोई ड्राइवर लेके आए, ना किसी को लेके आए। 2 गाड़ियाँ आई, जिनमें लड़का, लड़के का भाई, लड़के की मदर, लड़के के पिताजी और लड़के का मामा। उन्होंने 1.5 घंटा हमारे साथ जद्दोजहद करके हमसे 10 लाख रुपए, हमसे इनोवा की मांग करी गई, लेकिन हमने जो हमने पैसा इकट्ठा था हमने उसके लिए 10 लाख रुपये उन्हें दिए और कहा कि भाई इसको मसले को निपटाओ, लेकिन उन्होंने बड़ी मुश्किल में माने, बोले नहीं हमें 25 लाख रुपए ही गाड़ी के चाहिए। लेकिन मतलब पहले दिन से ही वो डिमांड करने लगे, जबकि हमारी बात ये हो गई थी कि बढ़िया शादी करनी है, कोई इस तरीके की नहीं थी कि बनियों में सारे रस्म रीति रिवाज सब बढ़िया ढंग से होते हैं जी। और हमने उन्हें 5 बजे बुलाया था, लेकिन वो अकस्मात 3 बजे आ गए। शादी में कुल कितना खर्चा हुआ? शादी में मेरा खर्चा हुआ जी लगभग 76 लाख। तो शादी के बाद 70 से 80 लाख रुपए के बीच में खर्चा हुआ एडजस्ट, तो मैंने लिस्ट बना रखी है, लेकिन मेरे पे यहाँ नहीं किया। तो शादी के तुरंत बाद में अगले दिन से क्या परेशानी आई थी आपकी? परेशानी ये आई जब बिटिया गई तो उन्होंने बिटिया को बोला कि मेरे लड़के का रिश्ता तो 2 करोड़ का होता, यहाँ कहाँ कंजरों में ब्याई गई मेरी लड़की। और लड़की को ना खाना दिया, ना नाश्ता दिया, बाजार का पोहा और पराठे खिला के उसको नौकरानी बना के काम भी कराया गया, घर का काम भी कराया गया, जबकि हिंदू परिवारों में 15 दिन तक तो हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरती है। अभी आपने तहरीर दे रखे हैं महिला थाने में, तो जो आपने तहरीर दे रखे है उससे आप संतुष्ट हैं क्या? नहीं है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, चूँकि मेरे 5 काउंसलिंग होने के बाद भी जी लड़के आयुष ने मना कर दिया कि मैं लड़की को कंटिन्यू नहीं रखूँगा। मैंने बजाय समझौता करवाया महिला परामर्श केंद्र, महिला थाना गाजियाबाद में, उन्होंने बहुत प्रेशर किया, उन्होंने गारंटी तक ली मैडम ने जो परामर्श करा रही थी, लेकिन उसने मना कर दिया, लिख के दे दिया कि मैं कोई भी कंटिन्यू नहीं करूंगा इस लड़की के साथ शादी। तो अभी उस पर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? उस पर कार्रवाई ये हो रही है जी, मेरी FIR दर्ज हुई 5 अप्रैल 2022 को जी, जिसमें पहली चार्जशीट लग गई 10 मई 2022 को जी। 10 मई 2022 को उन्होंने अपने उच्च प्रेशर के हिसाब से वो चार्जशीट वापस करवा दी कि जी इसमें द्वारा विवेचना कराई जाए। द्वारा विवेचना के लिए जब मैं महिला थाना गाजियाबाद किरण राज जी से मिला जी, तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे को एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली है जो कि तुम्हारे खिलाफ है जी। जब मैं उनसे मिला 18 मई को, तो उन्होंने मुझ पर प्रेशर बनाया कि या तो आप समझौता कर लो, नहीं तो मैं 498A हटा दूंगी। 498 वो इस तरह से कैसे हटा देंगे? बोले जी आपने गलत नाम इसमें जुड़वा दिए हैं, जो कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती है। मैंने कहा मैडम आपको जो करना करो, लेकिन इसकी चार्जशीट को तुरंत दाखिल करवा के ख़त्म करो, मैं कोई भी समझौता नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लड़की के साथ 2 दिन जो उन्होंने रिश्ता किया है और लड़की को मारा पीटा, जिसका इलाज मैंने MG हॉस्पिटल गाजियाबाद भी कराया है जी, लेकिन उन्होंने कोई भी आज तक जुलाई चली गई, जून चला गया, अगस्त में बैठा हूँ,
कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं करी है, ना द्वारा चार्जशीट दाखिल करी गई है। आप इस मामले को लेकर के पुलिस के उच्च अधिकारियों के पास गए? मैं SSP श्री मुनिराज जी से भी मिला जी। उन्होंने तुरंत लीडर को इंस्ट्रक्शन दिए, लीडर को उन्होंने महिला थाना से बात करी, उन्होंने कहा जी मैंने जाँच के लिए भेज रखी है। अब 50 सेकेंड की या 1 मिनट से कम की रिकॉर्डिंग की क्या जाँच होगी, जबकि मैं 19 दिसंबर को 3 घंटे उनके घर बैठ कर समझौते के लिए गिड़गिड़ाता रहा। उस गिड़गिड़ाने की रिकॉर्डिंग तो पूरी आनी चाहिए। 18 जनवरी को मैं 10 रिश्तेदारों के साथ गया हूँ, पूरा समाज वहाँ इकट्ठा हुआ, उसकी भी तो रिकॉर्डिंग आनी चाहिए। क्या 50 सेकंड के आधार पर विवेचना नहीं की जा रही है पूरी? अभी आपका जो केस चल रहा है उस पर जो कार्रवाई नहीं हो रही है, प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी बिटिया को न्याय मिले और चार्जशीट दाखिल हो, और जो सजा उनको मिलनी है मुजरिमों को, उनको सजा मिले। मतलब आप सजा चाहते हैं, समझौता बिल्कुल नहीं चाहते? मैं सजा चाहता हूँ, समझौता नहीं चाहता, क्योंकि मेरी बिटिया खिलौना नहीं है कि 2 दिन के लिए गई और 2 दिन बाद वो यहाँ आज घर पर बैठी है। क्या मैंने 2 दिन के लिए इतना तामझाम इकट्ठा करा था? और जो केस चल रहा है, क्या आपको लग रहा है कि वो आपके तरीके से या वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं चल रहा है या बहुत ही मंद पड़ चुका है? वो 10 मई से आज 10 अगस्त पर बैठने वाले हैं, 3 महीने में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं संतुष्ट हूँ पुलिस की कार्रवाई से। मैं कम से कम 5 बार IGRS में कंप्लेंट कर चुका, केवल एक ही जवाब है कि जी मैं विवेचना कर रही हूँ। उत्तम जवाब मिलेगा, सही जवाब मिलेगा। आपका परिचय देंगे? मेरा नाम हिमांशु सिंह है। मैंने MBA करा हुआ है और मैं एक कंपनी में MNC में जॉब करती हूँ। आपकी शादी कब हुई थी? 6 दिसंबर 2021। क्या हुआ था आपके साथ शादी के बाद में? शादी वाले दिन भी उन्होंने डिमांड किया था जब मैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, मुझे पता नहीं था। तो हम जब अगले दिन मैं वहाँ विदाई होकर गई थी, तो उनकी ननद ने जाते ही मुझसे जो मैंने पहना हुआ था अपने घर का जेवर वो सब उतरवा लिया था कि ये अब हमारे उसमें रहेगा, आप हमें देखो। अगले दिन ही फिर सुबह कोई इनके यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, कोई फंक्शन नहीं हुआ, कोई रीति रस्म नहीं हुए थे। अगले दिन जब हम सुबह 8 बजे उठे तो सास ने बोला कि बस एक कंगने वाली रस्म करते हैं, क्योंकि मामा मामी सही वहीं थे, उन्हें 1 घंटे बाद निकलना था। उसके बाद ये सब हुआ, उसके बाद जितना लिफाफा मुझे मिला वो सब सास ने ले लिया वापस। ये आपका कोई हक नहीं होता, ये हमें वापस कर दो, मैंने दे दिया। फिर उसके बाद लंच का टाइम हुआ, ब्रेकफास्ट का टाइम, जो भी था सब में उन्होंने पुराना बासी खाना परोसा, जो हमारे घर से खाना गया था उसको भी बोल दिया कि तेरे पापा ने क्या खाना दिया, ये कोई खाना नहीं होता। तो मतलब इतना सब कुछ खर्च करने के बाद जब ये सब मुझे बोला गया, वो भी बोला नहीं जा रहा, इनडायरेक्टली मुझे सुनाया जा रहा है सबके सामने बैठे हुए थे। तो किस तरह से व्यवहार हुआ था आपके साथ में वहाँ पर? आप 2 दिन रुके थे? 2 दिन रुकी थी, 7 और 8 को। 9 को पगफेरे पे भाई को बुलाया था, उसमें भी उन्होंने ये पंगा डाला था कि जो भी है आप 11 सुबह 11 बजे तक ले जाओ, जबकि ऐसा कोई रीति रस्म नहीं होता कि आप 11 बजे तक ही लेके जाओ, अगर नहीं लेके जाओगे तो कोई पगफेरा नहीं होगा। आपकी मेडिकल रिपोर्ट है हमारे पास में, तो आपके साथ मारपीट भी हुई थी? उन्होंने मेरे संग जैसे पहले क्या हुआ था, 7 तारीख को सास ने काफ़ी कुछ सुनाया कि तुम ऐसे करोगी, तुम ऐसे करोगी, ये काम अभी से करना शुरू कर दो, अगर नहीं करोगी तो फिर हम धक्का मुक्की वाली चीज़ें, अगर मैं थोड़ा सा भी इधर कोई काम कर रही हूँ तो उन्होंने टोक दिया, तो उन्होंने हाथ खींच लिए, तो उन्होंने मारपीट, मतलब एक धक्का मुक्की पहले दिन ही ये सब हुआ। फिर उसके बाद हस्बैंड ने जब शाम को बोला कि हम जो भी मम्मी गएंगी सब वही करना है, तुम्हारा अपने घर से कुछ लेना देना नहीं। तो मतलब आपको अपने हस्बैंड से कोई सपोर्ट नहीं? कोई भी सपोर्ट नहीं ना। 2 दिन में उन्होंने पूछा कि आपको कुछ चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ उनको ही जानती हूँ और तो किसी को जानती नहीं। उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि आपको कुछ चाहिए नहीं चाहिए, ना बाथरूम में कुछ भी, मतलब कुछ पूछते ही नहीं है। आपको मानसिक तौर पर भी टॉर्चर किया? हाँ, मतलब मैं 2 दिन में वहाँ पर रो पड़ी हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इतना कुछ। तो इसमें कौन कौन लोग थे आपके ससुराल पक्ष? ननद और देवर, हस्बैंड और सास ससुर, कोई रिश्तेदारी नहीं थी ना कोई। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? आयुष बंसल। से महिला थाना में FIR करा दी गई? हमने महिला थाना में 5 काउंसलिंग सेशन हुए, उसमें भी उसने रखने से मना कर दिया, जबकि जो हमारी काउंसलर थी मैडम, उन्होंने बोला था कि आप मेरी गारंटी पे हिमांशी को ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो रहना चाहते हैं, आप नहीं रहना चाहते, उसने मना कर दिया। फिर उसके बाद FIR हुई, FIR के बाद जो भी प्रोसीजर हुआ, IO अपॉइंट हुआ, सब कुछ हुआ, हमारी चार्जशीट चली गई थी। पर अभी जो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं अभी जो चल रहा है, अभी जो किरण राज मैम है
उन्होंने अभी तक कोई हमें कंफर्मेशन नहीं दी। 2-3 महीने हो चुके हैं, अभी तक हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। मतलब प्रशासन से आपकी क्या मांग है? कि मुझे इंसाफ मिले, जो है जो मैंने हमने रखा है, खर्च हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, हमें एटलीस्ट जस्टिस तो मिले। वो लोग जो बोल रहे हैं वो किरण मैम आगे हमें बताती हैं। तो आप चाहते हैं कि प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन जो है, वो इसकी निष्पक्ष जांच करे? हाँ, क्योंकि हमने ऊपर तक जब बातें करी हैं, दीक्षा शर्मा भी थी जो CBI हेड में है, तो उन्होंने भी यही बोला कि हम इसको जल्दी से जल्दी करवाते हैं, लेकिन इस बात को भी 1 महीने हो चुका है। जी।